क्लास नाइन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर मोशन पेज 112। दीज आर द क्वेश्चंस, ऑल आर हैविंग द बुक ऑल्सो। 10 क्वेश्चंस आर देयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड द कंसेप्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1, आई एम गिविंग द हिंट। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ द डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। What will be the distance covered and displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? So how to solve it? Question number 1. First of all, the athlete completes the circular track. And here it is, diameter is given 200 meter. So first of all, you have to find the length to be covered. That is obviously 2 pi r. So how much it is? That is 22 by 7 for the pi. And 2 r means the diameter. That is 200. So it is 4400 by 7 meter. And the distance traveled in 40 second is 4400 by 7 मीटर। 40 सेकेंड इसको यहां से यहां लगता है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड, सो 4400 बाई 7 इंटू 40, दैट इज 110 by 7 meter. So therefore distance traveled in 2 minute 20 second, that is the required. Itna hum mein kitna hoga, so that is your 2 minute 20 second means 140 second mein kitna hoga, kitna distance travel karega. So 110 by 7 into 140, that is 2200 meter. That is your answer. You can write in kilometer also. That is the number one. Second number question. Joseph jogs from one end A to the other end B of a straight 300 meter road in 2 minute 30 second and then turns around and jogs 100 meter back to reach point C in another 1 minute. What is Joseph's average speed and the velocity in jogging number A from A to B and from A to C? Like that, A to B and then B to return back to the point C, that is 100 meter. So we have to find the average speed. Average speed in all the cases. So how to find it? Number A, average speed from A to B is equal to distance by time. Distance is 300 meter by 170 second. 170 second, how it 170 second? So average speed 300 by 150, time is 150, so you can calculate it easily. Now average velocity kya ho jayega? I am giving a hint, A to B, then displacement by time. Displacement, A to B, ke, B mein displacement kya hoga? 300, or time 150, itna meter per second, itna meter per second. Next is your distance covered. From A to B,
कितना डिस्टेंस कवर्ड ए टू सी, अब सेकंड बिट है ए टू सी के लिए, कितना डिस्टेंस 300 प्लस 100, दैट इज योर डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस कवर्ड। ए टू सी में डिस्टेंस कितना होगा, ए टू बी हो गया 300 प्लस 100, दैट इज 400 मीटर। टाइम कितना लगा ए टू बी और एंड बी टू सी में, टाइम कितना लगा 150 सेकेंड प्लस, और बी टू सी जाने में, बी टू सी में कितना कितना टाइम लगा, दैट इज 60 सेकेंड। यहाँ से यहाँ लगा 150 सेकेंड, यहाँ से यहाँ लगा 61 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, तो ये हो गया 210 सेकेंड। यहाँ पर भी हम लोग ऐसे निकाल देंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, वही डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे। डिस्टेंस कितना है 400 और टाइम हो गया इतना, अब कैलकुलेट कर लेना आंसर। एवरेज डिस्प्लेस एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। अब डिस्प्लेसमेंट ए टू सी में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी कितना हो गया, ये 300 था, ये 100, तो ये हो गया 200। तो डिस्प्लेसमेंट इज योर 200 मीटर और टाइम तो उतना ही लगा, कितना 300 प्लस 150 सेकेंड प्लस 60, दैट इज इतने टाइम तो उतना ही जाएगा 210 सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। थर्ड नंबर, अब्दुल व्हाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप। ये निकालना है हमको, एवरेज स्पीड निकालना। अब्दुल इधर से स्कूल गया तो उसका एवरेज स्पीड कितना था, 30 या 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। घर से स्कूल गया 20 किलोमीटर पर आवर, फिर रिटर्न आया 30 किलोमीटर पर आवर, ट्रैफिक कम था, हमको एवरेज स्पीड निकालना है। मान लेते हैं डिस्टेंस है एस, घर से लेकर उसका स्कूल तक एस डिस्टेंस है, तो वो एवरेज वी एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस एस एंड एस ट्वाइस एस, ठीक है, एस यहां से गया, ऐसे गया एस, फिर वापस आया एस, तो टू एस बाय टोटल टाइम टेकन, यहां से जब गया इधर हमको, तो टोटल टाइम टेकन माने टी वन, यहां से यहां जाने का वापस आने का टी टू मान लेते हैं, तो टी वन टी टू निकालना होगा, टू एस बाय टी वन कितना हो जाएगा, यहां से यहां टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यही होता है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना एस बाय, यहाँ से स्कूल जब जा रहा था स्पीड कितना है 20 प्लस, वापस जब आ रहा है डिस्टेंस कितना है एस, टाइम स्पीड कितना है, स्पीड 30। अब इसको सॉल्व कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। इसको सॉल्व कर देंगे, 2s LCM लेके जितना है, फिर ss कैंसिल हो जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड भी है v एवरेज निकालने का, 2v1 v2 by v1 plus v2, ये मेथड कहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अप्लाई करते हैं, कभी कभी होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं,
खासकर तुम्हारे एंट्रेंस टेस्ट वगैरह में वहाँ यूज़ होता है 2v1, पहला स्पीड दूसरा स्पीड बाई पहला स्पीड प्लस दूसरा स्पीड। जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2v1 20 × 30 / 20 + 30 मीन्स 50। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे जितना आएगा वही आंसर, तो ये हो जाएगा 6 × 12 / 50। इसको काट दिए तो 120 / 5 दैट इज कितना आएगा 24 किलोमीटर पर आवर। Now, fourth one, a motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 m/s² for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि acceleration motorboat start from rest means use कर जीरो and acceleration is given 3 m/s². और क्या दिया हुआ है, वह टाइम 8 सेकेंड। निकालना क्या है, हाउ फार मीन्स डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है हाउ फार। तो कौन सा हम इक्वेशन यूज करेंगे, यहाँ पर u जीरो है, s निकालना है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो u जीरो है तो ये पार्ट जीरो हो गया, हाफ एक्सलेशन दिस टाइम 8² मीन 64। अब इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 32, ये हो गया इतना मीटर आंसर। ठीक है, दिस इज द आंसर। To write anything. A driver of a car travels at a 52 km per hour, applies the brakes and the accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops in 5 seconds. Another driver going at 3 km per hour in another car applies his brakes and slowly and stops in 10 seconds. On the same graph, plot the speed versus time graph for the two cars. Which of the two cars traveled farther from the after the brakes were applied? तो यहाँ पर एरोग्राफ ग्राफ पेपर में प्लॉट करना होगा। आई एम गिविंग द हिंट कैसे कैसे बनाएंगे। ये हो गया स्पीड का एक्सिस, ये हो गया टाइम का, टाइम एक्सिस बना लिया। और यहाँ पर जो दिया हुआ है कार ए, पहला फर्स्ट कार जो है, फर्स्ट कार का स्पीड दिया हुआ है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको पहले मीटर मीटर पर सेकंड चेंज कर देंगे क्योंकि ऐसा ही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। कैसे करेंगे, 5/18 इतना मीटर पर सेकंड। इसको कैलकुलेट करके ये अराउंड 14.44 मीटर पर सेकंड आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो सो कार ए इज हैविंग 14.4 मीटर पर सेकेंड स्पीड, कार बी इज हैविंग 3 km/h कन्वर्टेड 0.83 m/s। नाउ ऑन द ग्राफ पेपर यू हैव टू ड्रॉ द स्पीड टाइम ग्राफ। सो फर्स्ट प्लॉट स्पीड इन द वाई एक्सिस एंड एक्स एंड अलॉन्ग द एक्स एक्सिस टाइम यू हैव टू प्लॉट। सो स्पीड वेन द स्पीड ऑफ द कार ए, फॉर द कार ए 14.44 एंड वेन द driver applies the brake it stops after traveling 5 seconds. So 14.4 and 5 we have to just join it, these two point 14.4 and 5 5 second ke baad ruk jati hai. And second this is for car A, and second one is the car B 3 km/h. That is 0.83. So say this is a 0.83 m/s, and then it stops after traveling 10 seconds. So this point and this point we have to join like that.
this is for car B. So what we have to do? We have to find the how much distance it travel after application of the brake. So distance travel, how to find? Distance traveled after the application of after application of the brake is equal to area under the VT graph. ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं. जो ग्राफ का अंदर का एरिया है वो दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल. अब कार ए को निकालने के लिए क्या करेंगे? अब कार ए के अंदर का एरिया ये एरिया, ये कार ए, ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. सिमिलरली कार बी, बी का जब निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे, ये वाला उसका एरिया निकालेंगे. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर कार ए, ए का निकाल रहे हैं जैसे, तो एरिया क्या हो जाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल है हाफ बेस इनटू हाइट, बेस इनटू एल्टीट्यूड. कार ए के लिए बेस क्या हो जाएगा? 5, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 14.4. ये हो गया 5 और ये हो गया 14.4. इतना मीटर कैलकुलेट कर लो, विल गेट इट. सिमिलरली फॉर द बी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर भी एरिया अंडर द ग्राफ, अंडर द वी टी ग्राफ, यहाँ पर भी हाफ, ये भी राइट हैंड ट्रायंगल है, हाफ बी इंटू एच, हाफ यहाँ इस, ये राइट हैंड ट्रायंगल जो है इसका एरिया निकालना है. हाफ बेस, बेस कितना? 10. हाइट कितना? 0.83. ये हो गया 10, 0.83. इसको कैलकुलेट करेंगे, इतना मीटर जितना आया आया. अब इससे मालूम पड़ जाएगा कैलकुलेट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, और यू कैन कैलकुलेट ऑफ इट्स ओन. इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 36.1 मीटर. I have used a calculator for the quick calculation, and this is 4.15 meter. So, कौन सा which car travel farther? This car travel farther. ये ज़्यादा distance travel किया car A, car B की अपेक्षा. That's all. Question number 6. In the graph given, the distance time graph, you have to find which of the three is traveling the fastest. B, are all three ever at the same point on the road? C, how far has C traveled when B passes A? How far D number, how far B traveled when the distance when the time it passes by the time it passes C? ये graph में देखिए, graph दिख रहा होगा आपके बुक में भी है, पेज नंबर 112 में है. ये ग्राफ देखिए, सबसे पहला है विच ऑफ द थ्री इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट. ये तीनों ग्राफ दिया हुआ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. तो हमको अगर ये निकालना है, इफ़ वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड निकालने के लिए क्या करना होता है? स्पीड के लिए ग्राफ से हम कैसे निकालते हैं स्पीड? स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ. बोले थे पहले भी, स्लोप का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसका स्लोप सबसे ज़्यादा है. तो हम क्या देख रहे हैं? बी का स्लोप सबसे ज़्यादा है, कार बी का स्लोप. तो कार बी इज ट्रैवलिंग फास्टेस्ट. यू कैन फाइंड आउट पी बाई बी. यहाँ पर पी बाई बी, यहाँ पर ये कार बी के लिए ये हो जाएगा. यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे पी बाई बी. ऐसे भी कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है? कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है? बी. सो बी इज़ हैविंग द मैक्सिमम स्पीड.
द फर्स्ट वन नाउ आर द ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी ये तीनों जो स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं किया है. सो नेवर इट विल नो आंसर इज नो इट विल नेवर मीट. नंबर सी हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए. सी कितना दूर ट्रेवल किया जब जब बी ए को पास किया. बी कौन सा ही है बी ए कौन सा ही है बी पासेस ए बी पासेस ए बी ए को ए का ये है. यहाँ देखिए बोलता है सी कितना दूर था तो यहाँ से सी का डिस्टेंस हम देखेंगे. सी कहाँ पर था ये वाला पार्ट में सी कहाँ था सी यहाँ था. सी का ग्राफ ये है तो कितना डिस्टेंस का ये डिस्टेंस निकाल लेंगे. दैट इज योर आंसर. यहाँ पर स्ट्रेट लाइन करके ये डिस्टेंस निकाल देंगे. सिमिलरली डी भी वैसे ही है हाउ फार बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी. सिमिलरली वी कैन फाइंड ए बी सी डी. ओके ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 meters. इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 meters पर सेकेंड स्क्वायर. पर सेकेंड स्क्वायर आ गया मीन्स ये एक्सेलरेशन. विथ वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड आफ्टर वट टाइम इट इज विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड. यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है इसमें वो पहले हम नोट कर लेंगे. यहाँ डिस्टेंस दिया हुआ है 20 meters. 20 meters दिया और रेट मीन्स एक्सेलरेशन दिया है 10 meters पर सेकेंड स्क्वायर. हमको क्या निकालना है वेलोसिटी कितना है और एट आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. ये दो चीज़ निकालना है. कैसे सॉल्व करेंगे हमको यूनिफॉर्मली दिया हुआ है इसका मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है. इक्वेशन यूज़ करेंगे कौन सा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस कौन सा यूज़ करेंगे हम लोग. यहाँ पर तो कौन सा यूज़ करना बेहतर होगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस क्योंकि टी हमको नहीं मालूम है इसीलिए हम लोग ये वाला थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे. तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू यहाँ कितना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऊपर से गिर रहा है टू ए ए कितना 10 एस कितना 20 तो ये कितना हो गया 20 or 20 400. तो वी हो गया अंडर रूट 400 दैट इज 20 meters पर सेकेंड. ये स्पीड निकल गया इसी स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करेगा. अब टाइम निकालना है तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ये यूज कर सकते हैं. 20 इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ 10 टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर टी इज स्क्वायर तो हमको कैलकुलेट करना होगा ना. यहाँ ये 5 हो गया तो 5 टी स्क्वायर मीन्स 5 इधर आ गया तो ये 5 नीचे आ गया 4 हो गया तो टी इज इक्वल टू 2 seconds. यही आंसर. अब एक क्वेश्चन उठता है कि अगर हम लोग वी हमको मालूम है तो यहाँ पर हम लोग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. टाइम निकालना है करके देखते हैं आता है कि नहीं. v कितना है v हम लोग निकाल लिए हैं 20 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 0 और ये कितना है a एक a दिया हुआ है तुम्हारा 10 इंटू टी तो t इज इक्वल टू 20 बाई 10 2 seconds. इससे भी निकलेगा इससे भी निकलेगा. वी कैन यूज एनी वन ऑफ द दैट इक्वेशन.
द स्पीड टाइम ग्राफ, 8 नंबर क्वेश्चन, स्पीड टाइम ग्राफ और ए कार इज गिवन, दिस ये ग्राफ दिया हुआ है, ये लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये एक स्टूडेंट ऐसा कर दिया है. नंबर ए, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड. Which part of the of the of the graph represent uniform motion of the car? अब यहाँ पर ये ग्राफ ऐसा ऐसा इस तरह का ग्राफ है, ये डिस्टेंस, ये स्पीड है और ये है टाइम. तो ग्राफ कैसा है, ऐसे करके गया है, ऐसे करके फिर वो स्ट्रेट हो गया. तो यहाँ पर ये है 4 सेकंड. तो हमको निकालना क्या है, हाउ फार द कार ट्रेवल्स इन 4 सेकंड. तो कार ट्रेवल्स इन अ 4 सेकंड मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ट्रेवल्ड by the car in 4 second. इसके लिए हम लोग ये चीज देख सकते हैं, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड, एक ये मेथड है, स्पीड इंटू टाइम. अब यहां पर यूनिफॉर्म मोशन है, इसीलिए ये कौन सा स्पीड, एवरेज स्पीड, ये एवरेज स्पीड, एवरेज एवरेज स्पीड इंटू टाइम भी होता है एक फॉर्मूला. यहाँ एवरेज स्पीड निकालने के लिए u प्लस v, ग्राफ में v भी दिया है बाई 2 इंटू टी. यहाँ पर ये दिया हुआ है ग्राफ में, ये है 6 मीटर पर सेकेंड. यहाँ पर u कितना, 0, 6 बाई 2 इंटू टी, टी कितना, 4. तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 4. तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड, 12 मीटर इज योर आंसर. दिस इज द वन मेथड. दूसरा मेथड, यहाँ पर एक चीज़ है कि ये एग्जैक्टली डायग्राम में, अकॉर्डिंग टू डायग्राम एग्जैक्टली ये कर्व नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए हम लोग को ये मेथड यूज करना हुआ. तो 12 मीटर. और कौन सा सेकंड बिट है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन, तो कौन सा पार्ट, जहां 4 के पहले का जो पार्ट है उसको हम शेड कर देंगे. 4 सेकंड ये सेकंड में है, 4 सेकंड से पहले का जो ग्राफ का जो पार्ट है उसको शेड कर देंगे. दैट इज योर आंसर. In the second bit, in fact, the question is which part of the graph represents the uniform motion of the car. अब यहाँ पर तो स्पीड इंक्रीज हो रही थी यूनिफॉर्मली, अब इसके बाद यहाँ पर स्पीड रिमेंस कॉन्स्टेंट, तो इसके बाद ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड को. सो यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंटेड बाय दिस, आफ्टर द 4 सेकेंड द स्पीड ऑफ द कार बिकम्स यूनिफॉर्म. नाइन नंबर, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इच. नंबर ए, एन ऑब्जेक्ट विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन बट 0 वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन बट 0 वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड. एंड नंबर बी, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. क्या होगा ये, ए का जैसे से फॉर एग्जाम्पल अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, हम एक स्टोन को ऊपर फेंकें, फिर वो एक सर्टेन हाइट में जाके वो गिरना शुरू होता है, स्टोन यहाँ पर आया गिरना शुरू. एट द हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी बिकम 0, बट एक्सलरेशन इज हैविंग द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन इज नॉट 0. एक्सलरेशन उस हाइट पॉइंट पर कितना होता है,
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से ये स्टोन को हम ऐसे थ्रो किए थे, व्हेन इट रीचेस टू द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट में फिर ये वापस आना शुरू होता है। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट यू रिमेंबर वेलोसिटी बिकम जीरो, बट एक्सेलरेशन इज नेवर बी जीरो। एक्सेलरेशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट इज हैविंग, फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज हैविंग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज एन एग्जांपल। नंबर बी सेकंड बिट था कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, लाइक इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, ये आई हैड एक्सप्लेन्ड अर्लियर ऑल्सो, इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन जैसे मान लेते हैं एक स्टोन है, उसको वर्ल करा रहे हैं, घुमा रहे हैं ऐसे करके स्टोन को, स्टोन इज मूविंग इन दिस वे, दिस वे, दिस सेंटर, द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज दिस, स्पीड इज कॉन्स्टेंट, वी नो दैट टेंजेंशियल, टेंजेंशियल इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, टेंजेंशियल होता है, बट ये टेंजेंशियल क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, बट द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द दिस पर्टिकुलर टुवर्ड द सेंटर, हर एक पॉइंट पर एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन यहां पर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर। तो ये जो सेंटर की ओर, सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रल और सेंट्रल सीकिंग एक्सेलरेशन, इसके बारे में और डिटेल क्लास 11 में पढ़ना, बस यही याद रखो। एंड ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द एक्सेलरेशन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन of the motion or the velocity. This is an example. Now come to the 10 number question. Question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. Ye bhi circular motion ka question aa gaya. क्वेश्चन क्या है, सैटेलाइट वाला क्वेश्चन है, एक सैटेलाइट छोटा सा वो ऐसे घूम रहा है राइट, और इस सर्कुलर ऑर्बिट में इसका रेडियस, ये इसका रेडियस है, रेडियस कितना दिया हुआ है 42250 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है 24 आवर्स लगता है एक सैटेलाइट को ऐसे घूम रहा है, घूमने में, जस्ट लाइक द मून, इमेजिन करो ये मून है, ये अर्थ है, 24 आवर्स में लगा। हमको इसका क्या निकालना है, स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन, बस डिस्टेंस कवर्ड कैसे निकालेंगे, सर्कमफेरेंस 2πr बाय टाइम जो लगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2π हो गया 22/7, और इसको किलोमीटर में छोड़ सकते हो 42250 इतना टाइम। अब किलोमीटर पर आवर में भी निकाल सकते हैं, अगर किलोमीटर पर आवर में निकाल रहे हैं तो इसको हम 24 से डिवाइड कर देंगे, इतना आवर जितना आएगा कैलकुलेशन करके उतना समथिंग किलोमीटर पर आवर, जैसे कैलकुलेट करना है बस जो भी आता है इतना किलोमीटर पर आवर में, तुम चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी निकाल सकते हो, लेकिन ईजीएस्ट वे, बिकॉज स्पीड इज हायर इन केस ऑफ सैटेलाइट, सो वी आर टेकिंग द हायर और द बिगर यूनिट किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर जस्ट को कैलकुलेट करके, आफ्टर कैलकुलेशन यू कैन इजिली फाइंड आउट।
ओके थैंक यू।